हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जेएमबी स्टडी टिप चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं अगर कोई वर्ड लिखा है तो उनको पढ़ना नहीं आता है। तो दोस्तों, अगर आपको इंग्लिश परफेक्ट पढ़ना है तो उसके नियम पढ़ना ज़रूरी होता है। अगर आपको इंग्लिश पढ़ने के नियम आ रहे हैं या आते हैं तो आप इंग्लिश परफेक्ट पढ़ सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में इंग्लिश के सभी नियम जानेंगे और यह नियम पढ़ने के बाद आप इंग्लिश पढ़ना परफेक्ट सीख जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ए के बारे में जानेंगे। तो ए के उच्चारण क्या क्या होते हैं? तो ए का उच्चारण कभी अ होता है तो कभी आ, तो कभी होता है ओ, तो कभी होता है ए आई, तो कभी होता है ए या। और बी का उच्चारण बा, और सी का उच्चारण कभी सा होता है तो कभी क होता है, और डी का उच्चारण कभी ड होता है तो कभी द होता है, और ई के उच्चारण होते हैं ई ई ए, और एफ का उच्चारण फ होता है, और जी का उच्चारण कभी ग होता है तो कभी ज होता है, एच का उच्चारण ह होता है, आई का उच्चारण कभी आई होता है कभी ई तो कभी आय और तो कभी अ, और जे का उच्चारण ज होता है, का उच्चारण क होता है, और एल का उच्चारण ला होता है, एम का उच्चारण म होता है तो एन का उच्चारण ना होता है, ओ का उच्चारण ओ होता है तो कभी आ होता है तो कभी ओ होता है, पी का उच्चारण प होता है और क्यू का उच्चारण क्यू, और आर का उच्चारण रा होता है, और एस का उच्चारण कभी सीटी वाला सा होता है तो कभी षटकोण वाला सा होता है, और टी का उच्चारण कभी ट होता है तो कभी ठ होता है, और यू का उच्चारण ए आ होता है कभी तो यू होता है और कभी आ भी होता है, और बी का उच्चारण व होता है और डब्ल्यू का उच्चारण व होता है, एक्स का उच्चारण कभी ए होता है तो कभी ज होता है तो कभी एक्स होता है, और बाई का उच्चारण कभी यह भी होता है तो कभी ई होता है तो कभी बड़ी होता है, और जेड का उच्चारण ज होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ए के उच्चारण बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे। तो ए के उच्चारण क्या क्या होते हैं? ए ई ए अ आ ओ। तो ए ए, तो ए को ए का पढ़ते हैं। यदि ए के बाद बाई या आई का प्रयोग होता है, यदि ए के बाद किस का प्रयोग होता है, बाई या आई का प्रयोग होता है तो उसका उच्चारण ए के समान हो जाता है। तो ए को हम क्या पढ़ते हैं? ए। पर यह ए कुछ लंबा उच्चारण देता है। कैसा देता है? लंबा उच्चारण देता है। जैसे यहाँ क्या लिखी है? पी ए बाई, तो ए के बाद क्या आ रही है? बाई आ रही है, तो इसका उच्चारण कैसा हो जाएगा? लंबा। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? पाए नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? पे। इसको पढ़ेंगे हम पे। जैसी नेक्स्ट वर्ड है डब्ल्यू ए बाई, तो ए के बाद क्या है? बाई। इसको हम बाय नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? बे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एस टी ए बाई, इसको हम क्या पढ़ेंगे? स्टे। नेक्स्ट वर्ड हमारा जी ए बाई, तो ए के बाद क्या है यहाँ? बाई, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम? गे। नेक्स्ट वर्ड है बी आर ए आई एन, देखो यहाँ ए के बाद क्या है? आई, तो ए का उच्चारण क्या है? ए, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? ब्रैन। यहाँ भी देखेंगे इसमें ए के बाद क्या है? आई, तो ए का उच्चारण क्या आ जाएगा? ए, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम? मैन। इसको पढ़ेंगे ब्रैन, इसको पढ़ेंगे मैन। तो नेक्स्ट उच्चारण होता है ए का ए, तो ये क्या लिखी है? ए एन, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? एन।
ये क्या लिखी, LAD, इसको इसको लाड लाड नहीं पढ़ेंगे, तो इसको क्या पढ़ेंगे, लैंड। नेक्स्ट वर्ड हमारा है AT, इसको अट नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, एट। नेक्स्ट वर्ड लिख गया है MAN, तो बहुत से स्टूडेंट इसको क्या पढ़ते हैं, मान, तो इसको मान नहीं पढ़ेंगे, इसको हम क्या पढ़ेंगे, मैन। और इसको क्या पढ़ेंगे, स्टैंड। नेक्स्ट वर्ड हमारा MAD, तो इसको मार्ड नहीं पढ़ेंगे, क्या करें, मैड। नेक्स्ट वर्ड हमारा BAN, तो बहुत से स्टूडेंट इसको क्या पढ़ते हैं, बान, लेकिन ये गलत पढ़ते हैं, इसको सही क्या पढ़ते हैं, बैन। नेक्स्ट वर्ड हमारा RAT, तो इसको राट नहीं पढ़ेंगे, क्या नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हम रैट। तुम्हारा नेक्स्ट उच्चारण है ए, ए को क्या पढ़ते हैं, ए, या किसी वर्ड के साथ ARE आए तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, आर। जैसे क्या, ये क्या वर्ड, WARE, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, बेयर, इसको क्या पढ़ेंगे, बेयर, बे आर। नेक्स्ट वर्ड है स्पेयर, इसको क्या पढ़ेंगे, अर, इसको क्या पढ़ेंगे, स्पेयर, इसको लिख दें स्पेयर। देखो एप के साथ क्या आ रही है, ए आ रही है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, अर, तो क्या आई, फेयर, फेयर। नेक्स्ट वर्ड है CARE, तो इसके साथ क्या आ रही है, ए आ रही, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, केयर, केयर। नेक्स्ट वर्ड हमारा DARE, तो इसके साथ क्या आ रही है, ए आ रही है, तो ARE को हम क्या पढ़ते हैं, आर, तो ये क्या आई, डेयर, इसको हम क्या पढ़ेंगे, डेयर। नेक्स्ट वर्ड है SH, इसके साथ क्या आ रही है, ARE, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, शेयर, से आर। नेक्स्ट एक उच्चारण है, कभी एक को आ पढ़ते हैं तो कभी आ पढ़ते हैं, तो जैसे ये लिखा है ABOUT, तो बहुत से स्टूडेंट इसको अबाउट पढ़ते हैं, वो गलत पढ़ते हैं, इसको सही पढ़ेंगे अबाउट, क्या पढ़ते हैं, अबाउट, अबाउट। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, अल्ट नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे अल्ट, क्या पढ़ेंगे, अल्ट, इसको पढ़ेंगे हम अल्ट। नेक्स्ट वर्ड हमारा FARE, तो बहुत से स्टूडेंट इसको फर पढ़ते हैं, लेकिन क्या होती है ये, इसको पढ़ेंगे हम फार। और नेक्स्ट वर्ड हमारा ARE, तो इसको हम पढ़ेंगे आर। और नेक्स्ट वर्ड है STARE, तो इसकी ध्वनि क्या निकलेगी, स्टार, स्टार। नेक्स्ट हमारी एक ही ध्वनि ओ होती है, अगर किसी वर्ड के साथ ALL आए तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, ऑल पढ़ते हैं, जिसको इसको हम क्या पढ़ेंगे, ऑल या आर, इसको हम क्या पढ़ेंगे, बॉल, क्योंकि इसके साथ क्या आ रही है, ALL आ रही है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, बॉल। देखो इस ऐप के साथ भी ALL आ रही है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, फॉल। नेक्स्ट वर्ड है WARE, तो इसको बहुत से स्टूडेंट क्या पढ़ेंगे, बर पढ़ते हैं, लेकिन इसकी ध्वनि ये गलत है, इसको हम क्या पढ़ेंगे, बॉर, इसकी ध्वनि क्या निकलेगी, बॉर। बॉर मान क्या होता है, युद्ध होता है।
और नेक्स्ट वर्ड है सी ए डबल एल, तो इसको हम क्या पढ़ें, कॉल। तो नेक्स्ट वर्ड हमारा एस एम ए डबल एल, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, स्मॉल नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे स्मॉल स्मॉल। तो दोस्तों यहाँ से आगे आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।